बीसीसीआई ने हार्दिक पांडे और केएल राहुल के ऊपर का बैन हटा दिया है। दोस्तों आपको बता दूं कि पिछले हफ्ते में हुए हार्दिक पांडे और केएल राहुल की कॉपी उत्कीर्ण की कुछ बातों से बीसीसीआई ने उनके ऊपर बैन लगाया गया था, जो कि आज के दिन हटा दिया गया है। और इसकी वजह से जो हार्दिक पांडे है उनको भेज दिया गया है न्यूजीलैंड दौरे के लिए टीम इंडिया के साथ, और केएल राहुल को टीम ए के साथ इंग्लैंड लाइन्स के खिलाफ खेलने के लिए। दोस्तों आपको बता दूं ये दोनों जो प्लेयर थे ऑस्ट्रेलिया दौरा और न्यूजीलैंड दौरे के लिए शामिल थे, लेकिन एक को भेज दिया गया है न्यूजीलैंड दौरे के लिए और एक को भेज दिया है टीम ए के साथ इंग्लैंड लाइन्स के खिलाफ खेलने के लिए। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जो केएल राहुल थे वो काफी मैचेस से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे, काफी रन्स भी नहीं बना पाए, तो इसलिए उनको भेज दिया गया टीम ए के साथ इंग्लैंड लायंस के खिलाफ खेलने के लिए। क्योंकि टीम इंडिया के साथ पहले से दिनेश कार्तिक, अंबादी रायडू जुड़े हुए हैं, जो कि अच्छे फॉर्म में और काफ़ी सारे रन्स भी बना रहे हैं, तो इसके लिए केएल राहुल को टीम ए के साथ काफ़ी अच्छे रन्स बनाने पड़ेंगे, परफॉर्मेंस अच्छा करना पड़ेगा, तब जाके उनको टीम इंडिया में जगह मिल सकती है। अब बात करते हैं हार्दिक पांडे के बारे में, जो कि आज ही निकल चुके हैं न्यूजीलैंड दौरे के लिए। अगर वो कल तक टाइम पे पहुंच जाते हैं तो कल ही हमें सेकेंड ओडीआई में खेलते हुए नजर आएंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ। अगर ये इन हो जाते हैं तो विजय शंकर का पत्ता कट हो सकता है, जो यानी कि विजय शंकर टीम से बाहर हो जाएंगे और हार्दिक पांड्या इन हो जाएंगे, और उनके आने की वजह से ये टीम का बैलेंस भी काफी अच्छा बन जाएगा। और यही कुछ टीम हमें 2019 के वर्ल्ड कप में भी खेलते हुए नजर आएंगी। थोड़े से चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे बुमराह अंदर आ जाएंगे और मोहम्मद सिराज और खलील अहमद जो है वो बाहर हो जाएंगे। और बीच में अगर बात करें तो दिनेश कार्तिक, अंबादी रायडू, मनीष पांडे, केएल राहुल, इन चारों में से एक खेलता हुआ नजर आएंगे, और जैसी टीम रहेगी वही 2019 के वर्ल्ड कप में भी हमें खेलते हुए नजर आएंगी। दोस्तों और एक बात आपको बताते हैं कि हालांकि बीसीसीआई ने बैन हटा दिया है, लेकिन कोर्ट पे उनके ऊपर केस चालू है। हार्दिक पांड्या और केएल राहुल के ऊपर अभी भी केस चालू है। अगर इनके खिलाफ डिसीजन आता है तो उनको फिर एक बार कुछ मैचों के लिए बैन किया जा सकता है, साथ साथ आईपीएल के लिए भी उनको बैन कर दिया जा सकता है। तो दोस्तों यही थी आज की कुछ न्यूज, जो कि हार्दिक पांड्या और केएल राहुल के ऊपर बीसीसीआई ने जो बैन लगाया था वो हटा दिया गया है, लेकिन कोर्ट में उनके ऊपर अभी भी केस चालू है। बैन हटाने के तुरंत ही हार्दिक पांड्या को भेज दिया गया न्यूजीलैंड दौरे के लिए और केएल राहुल को टीम ए के साथ इंग्लैंड लायंस के खिलाफ खेलने के लिए भेज दिया गया है। तो दोस्तों आपको इस बारे में क्या लगता है कि बीसीसीआई ने यह डिसीजन सही लिया है, कि बीसीसीआई को भी कोर्ट के डिसीजन का इंतजार करना चाहिए था? जब कोर्ट का डिसीजन आएगा तभी उनके ऊपर का बैन हटाना चाहिए था? मुझे नीचे कमेंट कर जरूर बताना। आपने इस वीडियो को अब तक लाइक क्वेश्चन नहीं किया, लाइक शेयर कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय शिवराय।